हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ केयर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि टेडिलाफिल या सिलडेनाफिल किससे ज़्यादा टाइम बढ़ता है, किस टैबलेट से ज़्यादा देर तक संबंध बना पाते हैं, किस टैबलेट से ज़्यादा देर तक वीर को रोक के एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप भी इसका आंसर जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी डिटेल मिस ना हो। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया कि सेक्स टैबलेट लेने के बाद पानी पीना क्यों ज़रूरी है, तो अगर आप भी इसका जवाब जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेडिलाफिल या सिलडेनाफिल के बारे में शॉर्ट में जान लेते हैं कि ये टैबलेट किस काम आती है। टेडिलाफिल या सिलडेनाफिल टैबलेट का काम आपके लिंग में हार्ड इरेक्शन देना होता है। अगर आपके लिंग में हार्ड इरेक्शन नहीं आता है या आप अपने इरेक्शन को लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाते हैं सेक्स करने के लिए, या आपकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम है, तो इस प्रॉब्लम में टेडिलाफिल या सिलडेनाफिल टैबलेट ली जाती है। इस टैबलेट से आप हार्ड इरेक्शन के साथ साथ देर तक संबंध बनाने का आनंद भी ले पाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेडिलाफिल या सिलडेनाफिल किससे ज़्यादा टाइम बढ़ता है? दोनों ही टैबलेट इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ट्रीटमेंट में ली जाती है। दोनों टैबलेट एक जैसा असर करती है, एक जैसा काम करती है, बट दोनों टैबलेट में स्लाइटली सा डिफरेंस होता है। टेडिलाफिल टैबलेट जहां करने के 2 से 4 घंटे पहले ली जाती है, वहीं सिलडेनाफिल टैबलेट करने के 1 से 1.5 घंटे पहले ली जाती है। दोनों टैबलेट संबंध बनाने के टाइम पर पॉजिटिव इफेक्ट डालती है। दोनों टैबलेट में से कोई भी टैबलेट लेने के बाद आपका रिफ्रैक्टरी पीरियड शॉर्ट हो जाता है, जिससे आप नेक्स्ट राउंड के लिए जल्दी रेडी हो जाते हैं। आपका बेड पर परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। बट बात की जाए दोनों टैबलेट में से किससे ज़्यादा टाइम बढ़ता है, तो इसमें मैं टेडिलाफिल को चूज़ करूँगा, क्योंकि टेडिलाफिल टैबलेट कंसिस्टेंट रिजल्ट देती है, आपके बॉडी में बेहतर तरीके से वर्क करती है। मगर टाइम की बात की जाए तो सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है 19-20 का। टेडिलाफिल से ज़्यादा टाइम बढ़ता है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिलडेनाफिल टैबलेट ख़राब है। सिलडेनाफिल टैबलेट भी हार्ड इरेक्शन देता है और आपके टाइम को बढ़ाता है, आप जल्दी रेडी हो जाते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। बट जैसा कि मैंने कहा, टेडिलाफिल कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता है, आपके टाइम को बढ़ाता है, रिफ्रैक्टरी पीरियड को शॉर्ट करता है, हार्ड इरेक्शन देता है, और साथ ही इस टैबलेट का असर आपकी बॉडी में पूरे 1 वीक तक रह सकता है, जिससे आपको 1 वीक तक कोई और टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप खुल के इंजॉय कर पाते हैं। इसमें एक बात जान लीजिए कि अपने डाइट का अच्छे से ख्याल रखिए, हेल्दी फूड खाइए, ज़्यादा विटामिन मिनरल्स वाले फूड खाइए, तब ये टैबलेट आपकी बॉडी में अच्छे से वर्क करती है और आपके परफॉर्मेंस को हाई करती है। इसलिए टैबलेट के साथ अपने एनर्जी को बनाने के लिए अच्छी तरह से डाइट ले, हेल्दी डाइट ले। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इन दोनों टैबलेट में से कोई भी टैबलेट लिया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपके टाइम किससे ज़्यादा बढ़ा है, आपको किससे अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। तो होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने का। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।